हेलो एवरीवन, एक्चुअली आज डेट है, आज क्या डेट है, एक सेकेंड. हाँ, आज है डेट 17 मार्च. ओके, एंड अगर किसी को नहीं पता, मतलब ऐसा है तो लेट मी शो यू. अगर आपको यहाँ दिख रही होगी, सो इट्स 17th ऑफ मार्च. ओके, सो ये है आज. सो मैंने SBI JEE मीन्स दिया है. काफ़ी बच्चे, अभी मैंने 3 4 दिन से यूट्यूब वापस से शुरू किया, तो सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि SBI JEE कैसा गया. एंड द थिंग इज, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू शेयर. ऐसा नहीं है कि गंदा बहुत गया इसीलिए शेयर नहीं करना चाहती हूँ. बस ऐसा हुआ कि जब IBPS PO मीन्स SBI PO मीन्स रिजल्ट देखे ना, वो काफ़ी अच्छे, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग से बहुत 100% दिया था. वो रिजल्ट देखे ना तो सारी होप खत्म हो गई कि नहीं होगा. फिर मैंने यूट्यूब पे भी 1.5 महीने तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया. अगर कोई रेगुलर व्यूअर है उसको पता है. तो इस वीडियो को भी मैं बना जरूर रही हूँ आज, और मैं शायद इसको पोस्ट भी करूँगी पर प्राइवेट में करूँगी. और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इस वीडियो की किस्मत है. अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ देन आई विल पोस्ट इट, मतलब मैं आई विल डू इट पब्लिक. ओके, अदरवाइज रिलेटेड. ओके, इस वीडियो की किस्मत होगी. किस वीडियो की किस्मत क्या होती है, क्योंकि मेरी किस्मत तो बहुत बहुत खराब है. इट मे भी वीडियो की किस्मत अच्छी हो जाए. अब बात करते हैं SBI JEE के अटेम्प्ट्स की, कि मैंने क्या क्या अटेम्प्ट्स किए. मैंने जो SBI JEE में अटेम्प्ट्स किए वो मैं आपको, मेरी जो शिफ्ट थी ना वो 25th को सेकेंड थी. तो एक जो चीज़ की थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम जो वो वाली शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट, वो हम हार्ड बता रहे हैं. तो शायद 5 7 10 नंबर जो भी है नॉर्मलाइजेशन के, क्या पता मिल जाए, उम्मीद तो रहती है. ओके, चाहे पेपर गंदा जाए अच्छा जाए. अब बात करते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए. मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो मैंने, मेरे को ना एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर मैंने अभी मैं बता देती हूँ, 26 और 27 मैथ्स और रीजनिंग में अटेम्प्ट है. अब मुझे ये याद नहीं है मैथ्स में 26 है या रीजनिंग में, 27 अटेम्प्ट मैथ्स में है या रीजनिंग में, पर है ऐसा ही कुछ. ठीक है, और मैंने जब वो उस टाइम कैलकुलेशन की थी ना, तो 31, क्योंकि वो 1.25 का, 20 का होता है ना रीजनिंग में, तो ऐसा करके मेरा 31 का तो एक रीजनिंग बन रहा था शायद, 31 पॉइंट समथिंग शायद. और मैथ्स जो हमारा 26 27 जो भी लगा लो, तो 57 58 मेरे मार्क्स का टोटल अटेम्प्ट जो बन रहा था ना वो, वेट, हाँ इतना ही बनता है. मैं 31 और फिर 26 या 27 जो भी लगाते हैं, तो 57 अराउंड बनता है. 57 या 58 लगा लेते हैं अपन. मैथ्स और रीजनिंग में मेरा उस टाइम पे बन रहा था 57 लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश पे आते हैं. इंग्लिश इंग्लिश का तो अलग अलग सुपर हार्ड थी. मेरे को वहां पे ऐसा लग रहा था कि मन्ना तू तू बेवकूफ है, तेरे को कुछ नहीं आता, तुझे इंग्लिश तो तुझे बिल्कुल भी नहीं आती. वहां मेरे को ऐसा फील हो रहा था, मुझे वर्ड्स नहीं पढ़े जा रहे थे, वर्ड्स ऐसे थे. सोचो मैं उसको पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं समझूंगी कहाँ से. एक सामने वर्ड आ जाता है, आप उस वर्ड को बोलते टाइम, उस वर्ड को समझते टाइम आपकी जीभ चारों तरफ से 360 के एंगल पे घूमे जा रही है, और वो फिर भी वर्ड पढ़ा नहीं जा रहा. सोचो अब समझ में कैसे आएगा. और मेरे जैसे बच्चे, मतलब मैं तो बहुत बहुत गंदी हूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सिर्फ 25 अटेम्प्ट हुए थे मेरे. ठीक है, हाँ इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट थे. अब 25 में से सही बताऊँ, मेरे को 10 नंबर, 10 10 क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा दो कि मैं ना बस ऐसा हो रहा था कि क्या करूं क्या करूं, हाँ ये हो सकता है कर देती हूँ, ऐसे मैं करके आई हूँ. तो क्या बताऊं मैं, मतलब इस हंसी पे मत जाना, बहुत बहुत गंदा लगता है भाई. ओके, फिर उसके बाद में बात आती है GA की, कि GA में मैंने कितने अटेम्प्ट किए. GA में मैं पढ़ी थी, क्योंकि उससे पहले मैंने UISC मतलब वो असिस्टेंट और AO वो भी पढ़ना था ना, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी. तो मैंने जो SBI JEE में मेरे जो अटेम्प्ट थे वो मेरे अटेम्प्ट, हाँ मैं UISC AO और असिस्टेंट लिया था उसके लिए पढ़ी थी, फिर उसके लिए भी पढ़ी थी मैं SBI JEE के लिए. तो GA में मेरे जो अटेम्प्ट थे ना, कितने अटेम्प्ट थे GA में, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं थे मेरे, 15 16 समथिंग अटेम्प्ट थे मेरे, जिसमें से कुछ गलत भी हैं शायद. ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट था 50 60 70 80 90 90 95, अराउंड 95 और 97 ये मेरा अटेम्प्ट है उस टाइम का. टोटल मार्क्स का ही बता रही हूँ मैं. ठीक है, 95 to 97 ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है. और इस वीडियो को लेट्स सी मैं क्या करती हूँ, पब्लिक करूंगी या क्या करूंगी. रिजल्ट तो वैसे भी एक्सपेक्टेड है, आ सकता है कभी भी. बाकी थक गई हूँ अब, सच में थक गई हूँ यार मैं, हर तरफ से. मतलब
आप जब ऐसा होता है ना कि यार आपकी एज नहीं, आप मतलब उस एज में होते हो जिसमें आपके बहुत ऐसे होता है ना कलरफुल से ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी हैं यार, हर किसी के होते हैं, एंड फिर उस ड्रीम्स और आपकी वो जिसमें आपकी लाइफ ऐसी होती है कि यार इस लाइफ को जीना है, इंजॉय करना है लाइफ, मतलब दुनिया को देखना है, और उस टाइम में आप किसी एक जॉब के चक्कर में बस एक कमरे में बैठे हो, रो धो रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके थक गई हूँ इस रूटीन से मैं, लेट्स सी जो होगा अच्छे के लिए होगा, बाकी इस वीडियो को ऑल दी बेस्ट, होप तो है, होप पर है इसीलिए बैठी हूँ अभी तक मैं, मेरा फेस गर्म हो रहा है आपको पता है, ओ रोती हुई बिल्कुल गंदी लगती हूँ ना मैं, पता नहीं मेरे को आदत हो गई है, मैं रोज एक बार रो ही लेती हूँ सच में एक बार रोना होता ही होता है मुझे, किसी चीज को जब समझ में नहीं आ रही होती है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं फिर बैठ के आधा घंटा घंटा रो लेती हूँ, और उसके बाद में क्या करती हूँ मैं, उसके बाद में मुंह वह धो धो के और फिर बैठ जाओ, फिर मैं एक बार शीशे में खुद को देखती हूँ, रोने के बाद मैं सुंदर दिखती हूँ ओके और फिर मतलब ऐसा ना फेस ग्लो सा करने लग जाता है ऑटोमेटिकली और फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ, यही जिंदगी है ओके छोटा टा, टेक केयर, बाय।